मॉर्निंग, क्या हाल है आप सभी के। आज लोग हम एक हाइक पे जाने वाले हैं जिसका नाम है हकुरी माटा। जगह का नाम हकुरी माटा है। तो अभी बजे हैं सुबह के 6 और बस अभी एक दूसरे साथी को उठाना है और निकलते हैं। फिर मिलते हैं आपको। सी है। और अपने साथी रोहित को उठाने के बाद हम निकल पड़े हैं हकुरी माता की तरफ। ड्राइव कुछ ज़्यादा लंबी नहीं थी, ऑलमोस्ट 25 मिनट्स की थी। ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था सुबह के टाइम। और साइड में आप देख सकते हैं हकुरी माता की रेंजेस, जो पहाड़ियां हैं आसपास। कोशिश हमारी ये है कि हम सनराइज़ से पहले ऊपर पहुंच जाएं, ताकि ज़्यादा लोग भी ना हो और हम अच्छे शॉट्स भी ले पाएँ। और हाइकिंग का मज़ा सुबह सुबह ही ज़्यादा आता है मेरे हिसाब से। और ये हम फाइनली वहाँ पहुँच गए। ये वहाँ का जो पार्किंग एरिया है, काफ़ी स्पेस थी, तो आप अपनी गाड़ी आराम से खड़ी कर सकते हैं। बातें तो अब बहुत होगी, अब आप नज़ारे एंजॉय करिए। तो यार हम अपनी हाइक पे पहुंच गए हैं, तो हमने स्टार्ट कर दिया। होपफुली ऊपर जाके अच्छे अच्छे शॉट लेंगे ड्रोन से। क्या बोलता है? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। अपने तो सनराइज़ भी होने लगा है, पीछे देख सकते हैं आप। तो ऊपर से देखते हैं क्या नज़ारा आता है। हम एंट्री पॉइंट पे पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक दफ़ा पहले भी बताया था कि फॉरेस्ट वगैरह में जाने से पहले ना आपने अपने शूज़ साफ़ करने पड़ते हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वो चीज़ है। तो आपने क्या करना है, आपने इसको स्प्रे को उठा के, कैसे चलती है, इसको आपने ऐसे अपने शूज़ पे मारना है और शूज़ पे लगा के आपने अपने जूते साफ करने हैं, ताकि कोई भी जर्म्स वगैरह या जो भी जंगल या यहाँ के जो नेटिव ट्रीज हैं उन्हें ना लगे। यहाँ पर काफ़ी इनको कंजर्व करके रखा हुआ है, जो न्यूजीलैंड के नेटिव पेड़ वगैरह और सारी चीज़ें हैं, तो इस वजह से आपके शूज़ साफ करने को बोला जाता है। तो हम आ गए हैं जंगल। क्या खाना तूने ब्रेकफास्ट में? क्या खाना तूने ब्रेकफास्ट में? पैनकेक्स, एग बेनेक एंड वन लार्ज कैपुचिनो। ये साला अभी हाइक कंप्लीट करी नहीं है इसने, ब्रेकफास्ट को उसको आग लग गई है। रुक जा, अच्छा बाबू जी आज आज आज
इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं, ये तो मुझे स्वर्ग की सीढ़ियाँ लग रही हैं। बहुत चढ़ाई है पर कोई नहीं, करते हैं इसको कंप्लीट। दूसरा साथी पता नहीं कहाँ पीछे रह गया, मुझे लगता है रास्ते में रुक गया शायद। कोई नहीं, हम पहुँच गए। यहाँ से आपको थोड़ा ये दिखा देता हूँ, ठीक है मेरे भाई, ये सीढ़ियाँ स्वर्ग तक जाती हैं। तो इतनी चढ़ाई के बाद हमने सोचा कि थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, और जिस जगह हमने ब्रेक लिया था वो एक छोटी सी ओपनिंग थी जंगल की तरफ, तो वहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा था। तो हमने सोचा क्यों ना कुछ एरियल शॉट्स लेते हैं, तो हम दिखाते हैं आपको शॉट किस तरह के लिए हमने। तो ये व्यू एंजॉय करिए आप, मेहनत हमारी लुफ्त आपका। सुहाना सफ़र ख़त्म और सीढ़ियों की एक और चढ़ाई शुरू। कसम से इतनी सीढ़ियां चढ़ी थी उस दिन, पूरे साल में इतनी सीढ़ियां नहीं चढ़ी, पर आखिरकार ऊपर तो पहुंचना ही था, तो जैसे तैसे गिर पड़कर हम ऊपर पहुंच गए और ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। हाइक तो हमने इतनी कर ली है, तो मुझे तो लगता नहीं है आगे अब हम हाइक पे आने वाले हैं, और मजाक से हट के बहुत ज़्यादा टायरिंग थी, बहुत ज़्यादा। मैं ये कहूँगा कि मैंने पहले भी काफ़ी हाइकिंग करी है, पर ये इतनी टफ नहीं थी, थोड़ी टफ थी क्योंकि काफ़ी टाइम बाद किसी हाइक पे गए थे। पर हाँ, अगर आप कहीं भी हाइक पे या ट्रैकिंग पे जाना है तो आप, मैं तो कहता हूँ पहले एक हफ्ते से दो हफ्ते से अपनी फिटनेस पे या थोड़ा फोकस करना शुरू करें, ताकि आपको जब आप एक्चुअल हाइक पे जाओ उतनी दिक्कत ना हो। कसम से फेफड़े मुंह में आ गए थे, पर चलो जैसे तैसे करके हमने पूरा करा उसको और फाइनली टॉप पर पहुंचे। तो यार पहुंच गए फाइनली टॉप पे, और साइड में से व्यू देखो क्या व्यू आ रहा है आगे पीछे से, इतना इधर से नहीं दिखेगा। हम आपको ड्रोन की फुटेज डालेंगे इस वीडियो में तो ज़रा बेहतर दिखेगा। मोटे वर्थ है इतनी जो हम हाइक करके आए हैं? मेरे को मोटा मत बोल। दिखाने दो नहीं यार, थोड़ा शुरू में तो डिसअपॉइंट हो गए थे कि वही नहीं होनी है, पर अच्छी होगी। हो गया हो गया। ये स्टाइल मार मार के बाल उड़ गए। साला आते हुए तो ऐसा लग रहा था, मैंने पता नहीं कौन कितनी सीढ़ियां और रह गई हैं। तो ठीक है यार, पर यार फोटो जबरदस्त आ रही थी भाई की, फोटो खींचते। अब भाई की फोटोज कुछ ज्यादा ही जबरदस्त आ रही थी, तो व्लॉगिंग छोड़ के
कुछ फ़ोटोज़ निकाली और उसके बाद थोड़ा ड्रोन से एरियल शॉट्स लिए और हमने उसके बाद अपनी ट्रैकिंग कंप्लीट करी और वीडियो भी हमारी यहीं फिनिश होती है। होपफुली आपको मज़ा आया होगा। एंड में हमने एक छोटा सा मॉन्टाज बना के डाला है। होपफुली लाइक इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।